तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी कस्टमर का या खुद का जो है सो आयुष्मान कार्ड का लिस्ट में कैसे आप नाम देखेंगे, और अगर किसी का अगर आयुष्मान कार्ड का लिस्ट में नाम है तो आप उसको उसका जो है सो आयुष्मान कार्ड KYC करके कैसे जो है सो बना सकते हैं। सभी दोस्तों, मैं डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको बताया जाएगा कि फैमिली मेम्बर में किसी का भी अगर आयुष्मान कार्ड बना हो और बाकी किसी का नहीं बना हो, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों बिल्कुल फ्री में आप जो है सो आयुष्मान कार्ड बना के और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है सो काफ़ी दिनों से जो पेंडिंग था, क्योंकि दोस्तों मैं हमारे पास टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है और वीडियो जो है सो दोस्तों मैं डेली एक दो ही वीडियो बना पाता हूँ, या तो दोस्तों 2 दिन में एक वीडियो बना पाता हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में इतना ही कवर किया है, जिसमें मैं आज की इस वीडियो में बता सकूंगा कि आपको लिस्ट में कैसे नाम चेक करना है और कैसे जो है सो आपको KYC करना है और कैसे डाउनलोडिंग करना है, वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों, किसी भी कस्टमर का जो है सो सबसे पहले आप कैसे आयुष्मान कार्ड चेक करेंगे कि लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो पहला ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि कस्टमर के पास जो है सो एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, यानी कि एक मोबाइल होना चाहिए। और दूसरा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो है कस्टमर के पास जो है सो राशन कार्ड होना ज़रूरी है। बिना राशन कार्ड के दोस्तों आप नहीं चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो है सो आईडी आपको कैसे बनाना है। काफ़ी लोग जो है सो पूछते हैं कि आईडी कैसे बनाना है आयुष्मान कार्ड का। तो दोस्तों, आईडी जो है सो आप बिल्कुल जो है सो आप जो भी कस्टमर आपका आपके पास आता है, आप उसी का जो है सो आईडी बना के और उससे ही आप काम कीजिए। आपको कोई भी ऑपरेटर आईडी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आपको कोई भी CSC आईडी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नॉर्मल आईडी का ज़रूरत है, जो कि दोस्तों आप बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये आयुष्मान कार्ड का जो पोर्टल है, जो कि दोस्तों ये न्यू वाला पोर्टल है, पहले वाला जो पोर्टल है वो दोस्तों सभी पोर्टल जो है सो काम करना बंद कर दिया है, और ये जो न्यू पोर्टल है दोस्तों, इस पोर्टल का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है सो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें जो है सो कोई भी ऑपरेटर आईडी का ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही जो है सो बना लेना है। और इसमें जो है सो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जो कि आप लोग को सभी लोग को जो है सो पता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है RUA बेनिफिशरी। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है और यहाँ पे बेनिफिशरी है और यहाँ पे ऑपरेटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सो बेनिफिशरी का नंबर डालना है, यानी कि जो भी कस्टमर का आपके पास आता है उसका नंबर डालना है, या तो दोस्तों आप यहाँ पे खुद का नंबर आपको डालना है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ जो भी कस्टमर आपके पास आता है आप उसी का नंबर ही डालिएगा, तो दोस्तों इसमें फ़ायदा रहेगा। तो चलिए, यहाँ से हम जो है सो नंबर डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, पेन सेलेक्ट जो है सो करेंगे कि हमको जो है सो OTP के माध्यम से चाहिए या किस के माध्यम से हम लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ से हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, एक बगल में आइकन आएगा जिसमें लिखा रहेगा वेरीफाई। तो हम इसको वेरीफाई में ऐसे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारा मोबाइल नंबर जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये टिक हो गया, मतलब हमारा मोबाइल नंबर जो है सो वेरीफाई हो गया। और हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे मोबाइल में OTP भी आ गया जो हम नंबर डाले थे। तो OTP जो है सो हमको इस वाले बॉक्स में नहीं फिल करना है, ये वाला यहाँ पे OTP लिखा है, तो इस वाले बॉक्स में जो है सो OTP को फिल करना है। तो चलिए, यहाँ से हम OTP को फिल कर लेते हैं। OTP डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा लिखा हुआ है, तो कैप्चा भी आपको जिस तरह यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में कैप्चा डाल देना है। और अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा भी मंगा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम इस कैप्चा को जो बॉक्स में डाल लेते हैं, आपको भी इसी तरह से जो है सो कैप्चा को भर लेना है। कैप्चा आपको बिल्कुल सही भरना है, नहीं तो आपका आगे प्रोसेस ये नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है सो हम कैप्चा को डाल लिए हैं, अभी हम जो है सो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन है, तो यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से जो है सो इंटरफेस आएगा, जहाँ पे लिखा रहता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्कीम स्टेट सब स्कीम डिस्ट्रिक्ट सर्च बाय। तो सभी का मैं मतलब बताऊंगा कि क्या होता है, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं कोई भी चीज़ को जो है सो
बताता नहीं हूँ आपको, जो सो हर स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ, ताकि आप लोग जो सो कहीं भी गलती नहीं करेंगे, और किसी तरह का भी आपके पास कस्टमर आता है तो आप जो सो बिल्कुल आसानी से काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम लिखा हुआ है, तो स्कीम में आपको यही वाला रहने देना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से स्टेट है जो आपका जो भी स्टेट है, आप कस्टमर के आधार कार्ड से जो है सो स्टेट मिला लीजिएगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टेट को मिलाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सब स्कीम, तो सब स्कीम में जाके आपको यहाँ से आपको स्टेट राशन कार्ड नंबर जो है सो इसको सेलेक्ट करना है, स्टेट राशन कार्ड। तो यहाँ से स्टेट राशन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, कस्टमर का जो भी डिस्ट्रिक्ट है यानी जो भी ज़िला है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च बाय लिखा हुआ है, तो सर्च बाय में आपको फैमिली आईडी यहाँ पे क्लिक कर देना है। फैमिली आईडी का मतलब होता है राशन कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली आईडी लिखा हुआ है, तो चलिए यहाँ से हम फैमिली आईडी डाल लेते हैं, यानी कि राशन कार्ड नंबर को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे फैमिली आईडी डालने के बाद हम यहाँ से सर्च में क्लिक करेंगे, और जैसे ही सर्च में क्लिक करेंगे तो हमारा आगे का जो है सो प्रोसेस होना चालू होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो है सो डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास खुल के आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली मेम्बर में यानी कि राशन कार्ड में कितने फैमिली मेम्बर एड है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो टोटल 7 फैमिली मेम्बर एड है, जिसमें से किसका किसका जो है सो अप्रूव हो गया है, यानी कि किसका किसका कार्ड जो है सो बन गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है सो हमारा कार्ड जो है सो कम्प्लीटेड बन गया है, और यहाँ पे वेरीफाइड का टिक दिखा रहा है। और यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड कार्ड, तो यहाँ पे हम डाउनलोड कार्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड से हम OTP भेज के और यहाँ से या फिंगर लगा के और यहाँ से आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, चलिए हम थोड़ा यहाँ से डाउनलोड कार्ड का भी देख लेते हैं क्लिक करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड कार्ड में आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी कस्टमर आता है जिसका पहले से बना हुआ है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, तो जस्ट आपको ये नंबर वेरीफाई करना है और वहाँ से आपको PDF का डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद इस तरह से कुछ जो है सो ऑप्शन आएगा, फिर आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ से अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट में आपको जाना है और यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिया रहेगा, तो जो कि है पहला आधार OTP। तो दोस्तों ए वाला जो है सो सर्विस उसी के अंदर काम करेगा, जिस कस्टमर का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसी को जो है सो आप OTP भेज के कर सकते हैं। और जो दूसरा है यहाँ पे आधार फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे आपके पास जो भी डिवाइस है मंत्रा का मोर्फो का, तो आपको जो है सो उस डिवाइस के ज़रिए जो है सो आप यहाँ से आधार का फिंगरप्रिंट लेके यानी कि कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेके आप जो है सो कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आधार आईरिस का, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो आँख में लगाया जाता है, जो कि दोस्तों उसी से जो है सो आप किसी का जो सो फिंगर नहीं लगता है, जैसे बूढ़ा आदमी आते हैं तो दादी दादा आते हैं हमारे दुकान पर, तो उसका जो है सो इसी से जो है सो करेंगे, जिसमें हम आँख के जरिए स्कैन करके और यहाँ पे हम कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों मैं कार्ड ये सब डाउनलोड करने का जो है सो प्रोसेस में जो है सो पार्ट 2 में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बगल में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड, मतलब इसका मतलब है नॉट जनरेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई KYC का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कार्ड जो है सो दूसरा नंबर में जो हमारा फैमिली मेम्बर है उसका कार्ड यहाँ पे नहीं बना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट जनरेट लिखा हुआ है, यहाँ पे eKYC का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आप जैसे ही eKYC का ऑप्शन को कंप्लीट कर लेंगे पूरा प्रोसेस, तो आपको जो है सो कार्ड बिल्कुल आप बिल्कुल इजीली तरीके से जो है सो कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड का, और आप उसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जिसका डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन है उसका कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ पे eKYC वगैरह लिखा हुआ है वहाँ से जो है सो कस्टमर का eKYC करेंगे और आप जो है सो डाउनलोड कर लेंगे। और दोस्तों मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो है सो हमारा राशन कार्ड का ही नंबर है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर में हमारा भी नाम आपको शो कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं ये सब चीज़ जो है सो पर्सनल रीजन के लिए जो है सो ब्लर करके रखा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो आपको मेन फोकस जो है सो हमारा वीडियो का टॉपिक है उस पर आपको फोकस करना है,
और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, हमारा भी ई केवाईसी नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं अभी तक ई केवाईसी नहीं किया हूँ, क्योंकि जब मैं ये ई केवाईसी करूँगा तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं सभी आप लोग को जो सो लाइव करके दिखाऊँगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, और कैसे आप जो सो बिल्कुल ईजिली तरीके से हमारे आसान भाषा में जो सो हमारे वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है सो ये वाला साइट को आप जो है सो चला सकते हैं, यानी कि इस साइट में आप कैसे काम कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये जो हमारा साइट है वो बिल्कुल दोस्तों नया वाला साइट है, तो इसका डाउनलोड, तो इसका लिंक दोस्तों ओपन करने का लिंक आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से आपको इस साइट का जो है सो आपको लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप जो है सो हमारे इस साइट में क्लिक करेंगे, यानी कि लिंक में क्लिक करेंगे, तो आप जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड का ये वाला जो साइट होता है, आप इसमें दोस्तों रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाले साइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से मैंने आपको बताया कि कैसे जो है सो आपको काम करना है, आपको बेनिफिशरी में ही रख के करना है और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल ही डालना है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड होता है, फुल प्रोसेस, और कैसे बताऊँगा कि कैसे जो है सो आप कोई भी फैमिली मेम्बर का ई केवाईसी से करके आप आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं, यानी कि आयुष्मान कार्ड को बना के और डाउनलोड करके और कस्टमर को दे सकते हैं। और दोस्तों मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो है सो आप आयुष्मान कार्ड को जो है सो प्रिंट करके कैसे कस्टमर को दे सकते हैं। और काफ़ी भाई लोग पूछेंगे कि आयुष्मान कार्ड बनाने का चार्ज कितना लेना है। तो दोस्तों कोई भी अगर आपके पास आता है कस्टमर और डाउनलोड करवाने के लिए सिर्फ आता है, और अगर आप उसको जो है सो कार्ड वगैरह बना के देंगे, तो कार्ड बनाने और डाउनलोड करने का आप जो है सो 60-70 रुपया ले सकते हैं। और अगर कोई न्यू व्यक्ति आया जिसका अभी तक ई केवाईसी नहीं हुआ है, तो उसका जो है सो आप लगभग जो है सो कार्ड वगैरह बना के प्रिंट वगैरह करके देंगे तो 100 रुपये तक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद एक और हमारा जो है सो सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा वो है कि अगर हमारा राशन कार्ड नहीं है या किसी कस्टमर के पास राशन कार्ड नहीं है तो ये काम कैसे होगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे जिसका फैमिली आईडी है, यानी कि जिसका राशन कार्ड है, उसका ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो इसी से दोस्तों अगर हमको और आगे पता चलता है या तो कुछ अपडेट आता है कि बिना जो है सो राशन कार्ड के आप कैसे बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड, तो दोस्तों मैं उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख सकेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।